नमस्कार दोस्तों, निफ्टी चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा आपको समझाया गया था कि 19,880 के ऊपर आपने अपसाइड मूव को ही प्ले करना है, तो वही हुआ, हमें एक अपसाइड मूव शानदार देखने को मिला भी। और उसके अलावा ये भी कहा था, यहाँ से आपने डाउनसाइड मूव को प्ले करना है, जहाँ कल जिन्होंने कर लिया तब भी ठीक है, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं। उसके बाद मिड कैप निफ्टी में भी बताया था 19,213, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ मैंने बताया था। तो यहीं से डाउनसाइड मूव आपको शानदार देखने को मिली। तो इस तरह से एक दिन पहले ही, ये हमारी कल की वीडियो के स्क्रीनशॉट हैं ये लेवल्स, और देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट ने मूव किया। जिन्होंने अभी अभी चैनल को देखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन तो क्लिक कीजिए। उसके अलावा नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर क्लिक कीजिए। और उसके अलावा नीचे डीमेट अकाउंट के जो लिंक दिए हैं, वहां से अपना डीमेट अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। तो आइए अब हम रुपये पे आते हैं। तो रुपये पे मैंने कहा ही हुआ है, यहाँ बार बार लगातार सेल करते रहिए, ठीक है, और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ पे बार बार बाय करते रहिए, और यहाँ पे 82.95 का स्टॉप लॉस है। 82.95 टूटा तो फिर से आपको डाउन साइड मिलेगी 82.75 तक। तो उसके बाद आगे आते हैं हम स्टॉक्स पे। तो स्टॉक्स पे बिरला सॉफ्ट ने राउंडिंग पैटर्न पे ब्रेकआउट दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा चार्ट स्टॉक लग रहा है चार्ट पे। और फिर से मैं कहता हूँ कि अब बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको एक बताया जा रहा है कि चार्ट पे पैटर्न कौन कौन से स्टॉक अच्छे बना रहे हैं। डीएलएफ ने आपको बताया हुआ है, राउंडिंग पैटर्न पे ब्रेकआउट दिया है, बिरला सॉफ्ट ने भी, और कोल इंडिया ने पीनट फ्लैग पे ब्रेकआउट दिया। तो ये तीन स्टॉक सबसे बेस्ट है इस टाइम चार्ट के अकॉर्डिंग, चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। बाकी बाय सेल अपनी मर्जी से कीजिए, कोल इंडिया, डीएलएफ और बिरला सॉफ्ट। तो आइए अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी में क्या माजरा है, देखिए फिन निफ्टी में 19,976 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 20,000 राउंड फिगर है। बाकी ये राउंड फिगर तभी क्रॉस होगी अगर गैप अप ओपनिंग हो। अगर गैप अप ओपनिंग ना हुई तो समस्या बढ़ सकती है। फिर भी आपने नीचे 20 MA, 100 MA, 50 MA, काफ़ी कुछ आ चुका है, और 10 MA भी आ चुका है। मतलब 19,840 से लेकर 19,900 तक बाय ऑन डिप वाला मामला बना हुआ है, और स्टॉप लॉस रखिए 19,820, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। वैसे तो इसके नीचे भी फिर बाय ऑन डिप है, पर पहले 19,820 का स्टॉप लॉस रख गया। अगर ये निकला, ये टूटा, तो आपको फिर से 19,742, जहाँ पे 20 MA है, इस डिप को भी बाय करना चाहिए। और अगर ये टूटा तो 19,670 के नीचे फिर बहुत बड़ी गिरावट आपको 19,585 तक देखने को मिलेगी। इस बेस को आपने जरूर बाय करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखे होंगे कि बड़ी जबरदस्त बेस है ये फिन निफ्टी का। तो 19,600 के आसपास बाय ऑन डिप है, और ऊपर की ओर 20,000 के आसपास सेल ऑन राइज है। और 20 MA, 100 MA, 10 MA और 20 MA, ये लेवल है इसके। 10 MA तो चलो छोड़ दो, ये मत छोड़ो, ये मत कंसीडर करो। 840 से 870, फिर 740, 750, ये एक अच्छे लेवल होंगे बाय ऑन डिप वाले। 10 MA भी काफ़ी अच्छा है, आज 10 MA की ही डिप को बाय किया गया। बाकी 20,000, ये मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट कवरिंग कहाँ आएगी, शॉर्ट कवरिंग लेवल है, क्योंकि कल निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। 20,050 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग बनेगी, मतलब 20,000 का जब कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा, एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, जो आपको कहाँ लेके जाएगी, 20,360 तक। मतलब यहाँ से लगभग 300, 350 पॉइंट का रन आपको मिल सकता है। तो अब आते हैं हम मिड कैप निफ्टी पे, कि मिड कैप निफ्टी में क्या, मिड कैप निफ्टी में 9,213 तक के हर जंप को सेल कीजिए। 9,222 जो आज का हाई है, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। नीचे टारगेट 9,166 और 138, 132 जो आज का लो लगा था। अगर ये लो टूटा फिर ये नहीं है कि सेल कर देना, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि हो सकता है कि 20 MA 9,068 के पास, और 10 MA 9,100 के आसपास। तो 9,050 से 9,100 का एरिया क्या है, बाय ऑन डिप, इस डिप को आपने बाय करना है। नीचे 9,050 का ही स्टॉप लॉस रखना है,
ऊपर टारगेट फिर से आपको 132, 166, 182, 185 और 213 मिल सकते हैं। तो मतलब ये ट्रेड सेटअप बन सकते हैं आपका 9050 से 9200 तक का। और फ्रेश ब्रेकआउट कहाँ आएगा अब? अब ब्रेकआउट आएगा 9222 जो कल आज का हाई है। अगर ये क्रॉस हुआ तो यहाँ से अपसाइड मूव आएगा और 9200 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट 257, 288 और 9300 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। 300 पे काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग है, तो यहाँ से फिर से सेल ऑन राइज ही रखना है 9310 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये था कंप्लीट ट्रेड सेटअप फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।